हेलो दोस्तों, आज हम एमएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के टॉपिक शिक्षा के दार्शनिक आधार पर चर्चा करेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक आधार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शिक्षा क्या है। शिक्षा जो है, यानी एजुकेशन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार शिक्षा एक विकास संबंधी प्रक्रिया है। इस विकास की गति एवं प्रकृति को समझने के लिए शिक्षा की सामग्री का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति निम्न शब्दों से हुई है, यानी कि एजुकेशन जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो तीन शब्द से हुई है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। एडुकेटम का मीन्स होता है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी शिक्षित कराना। एडुशियर का मतलब होता है टू लीड आउट, यानी विकसित करना अथवा निकालना। एडुकेयर का मतलब है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, आगे बढ़ाना या बाहर निकालना या फिर विकसित करना। लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द का अर्थ होता है शिक्षित करना। ए यानी ई का अर्थ है अंदर से, तथा डुकू का अर्थ है आगे बढ़ाना, यानी विकास करना या उसका अंदर से सर्वांगीण विकास करना। अब प्रश्न ये उठता है कि अंदर से विकास का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सरल उत्तर ये है कि प्रत्येक बालक के अंदर जन्म से ही कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण के संपर्क में आता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना, अंदर को ठूसना नहीं। एडुकेटम के अतिरिक्त उक्त दोनों शब्दों एडुशियर तथा एडुकेयर का अर्थ भी यही है। एडुशियर का अर्थ है निकालना, एडुकेयर का अर्थ क्या है, आगे बढ़ाना यानी बाहर निकालना या फिर विकसित करना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जनजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत अलग अलग हैं। जैसे जे एस मिल ने कहा है, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं, यानी एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी में संस्कृति को हस्तांतरित करते हैं ताकि वे उसका संरक्षण कर सकें और यदि संभव हो तो उसमें उन्नति भी कर सकें। टैगोर ने कहा है, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सकें तथा अपना बनाते हुए उसको व्यक्त कर सकें। ऐसे ही प्रोबेल ने कहा है कि शिक्षा जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो बालक की जन्मजात शक्तियाँ होती हैं वो बाहर निकलती हैं। विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है। कांट के अकॉर्डिंग शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसमें उसमें क्षमता है। सुकरात ने कहा, शिक्षा का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। अब पढ़ेंगे दर्शन क्या है। दर्शन जो है अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्द फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। फिलॉस का क्या अर्थ है, प्रेम अथवा अनुराग, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। अर्थात फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान का प्रेम है। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। दर्शन के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं। देखिए, सबने अपने अपने मत अलग अलग दिए हुए हैं। प्लेटो ने क्या कहा है, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करना तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है। हैंडरसन के अकॉर्डिंग दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित, सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। शोपेनहावर ने कहा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। बर्ट्रेंड रसेल ने कहा है, अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है।
दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। फिलॉसफी के प्रकार, आदर्शवादी या विचारवादी फिलॉसफी, भौतिक या प्रकृतिवादी, बहुवादी या अनेकेश्वरवादी फिलॉसफी या दर्शन के प्रकार हैं। विश्लेषणात्मक प्रकार है, मानकी प्रकार है और बौद्धिक प्रकार है। अब पढ़ते हैं शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र का संबंध। शिक्षा तथा दर्शन के बीच क्या है? घनिष्ठ संबंध ही नहीं है बल्कि ये एक दूसरे पर आश्रित भी हैं। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन भी है। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन भी है। शिक्षा शास्त्री समय समय पर दार्शनिकों के सम्मुख प्राय ऐसी नई नई पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं जो उन्हें अध्यापन कार्य के समय परेशान करती हैं। इस प्रकार शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है। प्राय ऐसा देखा गया है कि महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। सभी दार्शनिकों ने अपने अपने दर्शन को क्रियात्मक अथवा व्यवहारिक रूप देने के लिए अंत में शिक्षा का सहारा लिया। शिक्षा तथा दर्शन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित हैं। स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या है? जो वास्तविक शिक्षा है उसका संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है। एडम्स ने कहा है, शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष है, यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू है। जे एस रॉस ने कहा, दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। हर्बर्ट ने कहा, जब तक समस्त दार्शनिक समस्याओं को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा को चयन नहीं आ सकता। रॉस ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया, शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन क्या है? सैद्धांतिक पहलू है और शिक्षा क्या है? गतिशील और व्यवहारिक पहलू है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन तब तक अधूरा रहता जब तक उसकी व्यवहारिकता ना हो और शिक्षा के स्वरूप बिना दर्शन के विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक, दर्शन और शिक्षा का संबंध इस तरीके से हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष, दर्शन, सिद्धांत। गतिशील पक्ष क्या है? शिक्षा, व्यवहारिक। दर्शन एवं शिक्षा का संबंध क्या है? शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्नों का उत्तर दर्शन ही देता है, जैसे शिक्षा क्यों देनी चाहिए, गणित क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या हो, शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। दर्शन के तत्व, शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत माना जाता है, इसलिए दार्शनिकों ने शिक्षा संस्थाओं तथा आश्रमों की स्थापना की जिससे दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके। दर्शन केवल मीमांसा का ही विषय नहीं है बल्कि यह जीवन से सीधा संबंध रखता है। शिक्षा व दर्शन के संबंध को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है। देखिए, ये क्या है? शिक्षा के तत्व, और इधर है ये शिक्षा के घटक। शिक्षा के तत्व, दर्शन के तत्व में क्या? तत्व मीमांसा, जो कि सत्य का प्रकाश, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान स्वरूप, मूल्य मीमांसा, ज्ञान के चयन के मानक, और तर्क मीमांसा, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। शिक्षा के घटक में शिक्षा के लक्ष्य एवं दर्शन, शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का स्वरूप, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की भूमिका, विद्यालय प्रबंधन और परीक्षा प्रणाली। दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। ज्ञान के प्रत्यय का संबंध ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है जिससे आगमन व निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल्य कहा जाता है। इसका विवेचन मूल्य मीमांसा के अंतर्गत होता है। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता तथा आचरण की आवश्यकता होती है। दर्शन के ये सब तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करते हैं। ये दर्शन के तत्व हैं और ये शिक्षा के घटक हैं। इस तरीके से डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा। शिक्षा के घटक क्या हैं? शिक्षा प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक छात्र भूमिका, विद्यालय
अनुशासन, यानी ये क्या है, दर्शन के तत्व और शिक्षा के घटकों में संबंध है, इस तरीके से डायग्राम से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त चार्ट से दर्शन और शिक्षा के संबंध की समीक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इन चार्ट की व्याख्या करने से शिक्षा के अर्थ का बोध होता है, जिसका विवेचन निम्न पंक्तियों में किया गया है। दर्शन और शिक्षा में अटूट संबंध होता है और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इसमें मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उद्देश्य की प्राप्ति के साधन मार्गों पर भी विचार किया जाता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हो, इसमें शिक्षा हमारी सहायता करती है। शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है। हमें नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिंतन, मनन शक्तियों का विकास करती है। इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है और नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है, और ये चक्र सदैव चलता रहता है। दर्शन और शिक्षा के इस अनन्य श्रित को समझने के लिए दर्शन के शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा के दर्शन के प्रभाव को अलग अलग समझना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं हम दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। दर्शन और शिक्षा का संप्रदाय। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रदाय का ज्ञान होता है। दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य। दर्शन का सर्वप्रथम भाग तत्व मीमांसा होता है। इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मरण आदि की व्याख्या होती है, और इसके आधार पर मानव जीवन के उद्देश्य दिए जाते हैं। शिक्षा द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। दर्शन और शिक्षा की पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। यदि शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं तो उसकी पाठ्यचर्या भी उससे प्रभावित होनी चाहिए। दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन को ज्ञान मीमांसा से मानव बुद्धि ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों को व्याख्या की जाती है, और इसी के आधार पर दार्शनिक शिक्षण विधियों का विधान किया जाता है। दर्शन और अनुशासन। दर्शन का तीसरा भाग आचार मीमांसा होता है। इसमें मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए और क्या नहीं, इसकी व्याख्या की जाती है। इसे ज्ञान के आधार पर अनुशासन का संप्रदाय निश्चित किया जाता है। दर्शन शिक्षक तथा शिक्षार्थी। दर्शन की तत्व मीमांसा में मनुष्य के स्वरूप, आचार मीमांसा उसके करणीय तथा अकरणीय कर्मों की व्याख्या की जाती है। दर्शन की इस व्याख्या के अनुसार ही शिक्षक और शिक्षार्थी का स्वरूप, उनके कर्तव्य निश्चित होते हैं। दर्शन और विश्वविद्यालय। प्राय सभी दार्शनिक मनुष्य के लिए आचार संहिता तैयार करते हैं और इसके लिए शिक्षा का विधान करते हैं। अब ये शिक्षा कैसे दी जाए और कहाँ दी जाए, इस पर भी वो प्रकाश डालते हैं। अब पढ़ते हैं दर्शन और शिक्षा की समस्याएं। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षा से राज्य के हस्तक्षेप आदि पर भी विचार किया जाता है। इतना ही नहीं, अपितु शिक्षा के क्षेत्र में कभी भी और किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए हम दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। शिक्षा के द्वारा हम भाषा सीखते हैं और इसी के द्वारा हम विचार करना सीखते हैं। अशिक्षित व्यक्ति से दर्शन जैसे विषय के विकास की आशा नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से शिक्षा दर्शन के विकास की आधारशिला होती है। शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। कोई भी समाज अपने पूर्वजों द्वारा निश्चित सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करता है। शिक्षा के अभाव में हम दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के ज्ञान को सुरक्षित रखती है। शिक्षा जो है दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। मनुष्य जीवन की व्याख्या करता है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को निश्चित करता है और ये स्पष्ट करता है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे की जाए। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे दर्शन द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। अंग्रेज विद्वान जॉन एडम्स महोदय इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का एक गतिशील पहलू है। जॉन डीवी ने इसी सत्य को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है। दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत ही है। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचय कराती है। दर्शन एक गतिशील और प्रगतिशील प्राणी है। विकास के इस पथ में उसके सामने नित्य नई समस्याएं आती हैं। शिक्षा हमें समस्याओं से परिचित कराती है, और यदि इसमें दार्शनिक की तीक्ष्ण वृद्धि होती है तो इन समस्याओं पर विचार करने लगते हैं और दर्शन का विकास होता है। के आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।